अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग विद अंबर। तो आज हम बनाने वाले हैं फ़िश, वो भी हरे मसाले और गंदम के आटे के साथ। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। यहाँ पे तकरीबन 3 किलो का पीस था फ़िश का, वो ले लिया है मैंने, क्योंकि बड़ी फ़िश थी तो इसका कांटा मैंने निकलवा दिया है। कांटा निकलवा दें तो एक तो फ़िश जल्दी पक जाती है और अंदर तक कुक हो जाती है, कच्ची नहीं रहती। लेकिन ये कांटे को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इस तरह से ये कांटे जो है मैंने इसमें से निकलवा दिए। ये देखें, और इसको मछली को मैंने नमक सिरका लगा के वॉश कर लिया है। इसके बाद लहसुन की 2 गठियां जो हैं उनको पीस लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसका पेस्ट बना लेना हमें। अब एक बाउल में लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, सिरका ऐड करेंगे। चीज़ें मैंने तमाम मेंशन की हुई हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अजवाइन का 1 टीस्पून ऐड करेंगे और कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया मोटा ग्राइंड करना है इसको, और 2 से 3 टेबलस्पून जितने भी आपको अच्छे लगे डाल दें। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है, नमक ऐड कर देंगे हसब ज़रूरत, गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे और इनको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे उसी बर्तन में जिसमें लहसुन को पीसा था, वो भी ऐड कर देंगे। हरा धनिया कटा हुआ ऐड करेंगे। बिल्कुल न्यू रेसिपी के साथ बना रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की फ़िश बनती है इससे। तमाम मसाले को मैंने मिक्स कर लिया है, अब फिश जो है इसमें ऐड कर दिया है मैंने। मैं तो इसी तरह से लगा लेती हूँ, आप चाहें तो एक एक पीस को पकड़ के मसाला जो है अच्छी तरह अप्लाई करें। मैं तो मिक्स करके इसी तरह अप्लाई कर देती हूँ, और कम अज़ कम 1 दिन के लिए इसको फ्रिज में रखें। नेक्स्ट डे इसे बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन अगर जल्दी हो तो कम से कम 3-4 घंटे तो ज़रूर मसाला लगाने के बाद रखें। अब गंदम का आटा लिया है जिसकी हम रोटी बनाते हैं, होल व्हीट फ्लोर है ये, एक प्लेट में लें और इस तरीके से अच्छी तरह से दोनों तरफ से फिश को कोट कर दें और बकाया जो एक्स्ट्रा आटा है वो झाड़ लें। तो तमाम फिश को इसी तरह से मसाला लगा के हम रखते आटा जो है इसकी कोटिंग करते जाएंगे। बिल्कुल ये होल व्हीट फ्लोर है जिसकी हम रोटी गंदम की बनाते हैं घर में, कोई मैदा नहीं, कोई बेसन नहीं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर ऐसी चीज़ें नहीं हैं, आप आटे के साथ भी बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की फ़िश बना सकते हैं। और मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करें, दोनों तरफ से गोल्डन हो जाए तो इसको निकाल लें, किसी भी चटनी केचप के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ्री में सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।